नवरात्रों के बाद आ गया है दशहरा। उम्मीद है आपने मेरे नवरात्रि स्पेशल रेसिपीज ट्राई किए हैं और आपको पसंद भी आए हैं। अब दशहरा के इस शुभ अवसर पर चलिए बनाते हैं बिल्कुल बंगाली स्टाइल रसगुल्ला। रसगुल्ला या रसगुल्ला जैसे हम नॉर्मली इसको बोलते हैं, ये बनाने में काफ़ी आसान है। जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम सबके घर में होंगे, दूध, चीनी और पानी। अब इसमें जो कुछ ट्रिकी पार्ट्स हैं, इसके कारण कई बार हमें घर पे रसगुल्ला जब हम बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं बनता। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बिल्कुल बंगाली स्टाइल रसगुल्ला कैसे बनाएं उसका रेसिपी। पर रेसिपी देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। रसगुल्ला बनाने के लिए पहले ही हमें दूध फाड़ना है। अब दूध जो हो वो आपका प्योर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई एडिटिव्स हो तो वो अच्छे से फटता नहीं है। तो मैं जनरली फुल फैट मिल्क यूज़ करती हूँ इसके लिए। पहले ही दूध को हम उबाल लेते हैं। अब जैसे ही दूध उबलता है आप उसमें नींबू या विनेगर मत डालिए फाड़ने के लिए। दूध को एक बार अच्छे से उबलने दीजिए, गैस ऑफ कर दीजिए और फिर 3-4 मिनट दूध को जरा हल्का सा ठंडा होने दीजिए, तो उसका जो बहुत ज़्यादा जो हीट है वो चला जाता है। अब इसमें हम डालेंगे विनेगर नहीं तो नींबू पानी। अब मैं आज यहाँ पे विनेगर यूज़ कर रही हूँ और विनेगर को भी मैं डाइल्यूट करके यूज़ कर रही हूँ। तो जितना विनेगर लिया है उतना ही पानी डाल के इसको डाइल्यूट करके थोड़ा थोड़ा करके हम इस गर्म दूध में डालेंगे। थोड़ा ये डाइल्यूटेड विनेगर डालिए, ज़रा मिला लीजिए, दूध हल्का सा फटने लगेगा, फिर थोड़ा और विनेगर डालिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके तब तक डालिए जब तक कि दूध इस तरह अच्छे से फट ना जाए। अब हम छेने को छान लेते हैं। अब छेने को छानने के लिए आप इस तरह का एक मसलिन कपड़ा सीव पे रख लीजिए और पूरा जो फटा हुआ दूध है इस पे डाल के फिर इसको अच्छे से ठंडे पानी से धो लीजिए। तो इसमें क्या है, जो भी विनेगर या नींबू का जो खटास रहता है वो अच्छे से निकल जाएगा और जो छेना है इस तरह थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और ज़्यादा कुक नहीं होगा। तो ये हमारा बिल्कुल सॉफ्ट छेना यहाँ पे बन गया है। आप इसका जो पानी है वो पूरा निचोड़ के इसको बिल्कुल ड्राई मत कीजिए। हम छेना बना रहे हैं रसगुल्ला के लिए तो इसमें थोड़ा सा जो वो पानी का कंटेंट है, जो थोड़ा सा जो नमी है वो रहना चाहिए। तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें इसमें से निकालना है। तो छेना को आप एक थाली में निकाल लीजिए, एक बड़े से प्लेट में निकाल लीजिए और फिर अपने हाथों के इस भाग से उसको अच्छे से मसलिए। तो इसको तब तक मसलना है जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो और ये हमें बिल्कुल एक डो जैसा एक साथ आने ना लगे। आपको ये छेने को अच्छे से सॉफ्ट करना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से जब सॉफ्ट होगा तो इसका जो वो ग्रैन्यूल्स है जो आपको दिखेगा वो बिल्कुल छोटा छोटा दिखेगा और बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट और मुलायम बन जाएगा। फिर हम इसके छोटे छोटे गोले बना लेते हैं रसगुल्ला के लिए। रसगुल्ले के गोले तो हमारे बन गए, अब बनानी हमें चाशनी। अब चाशनी के लिए जनरली जितना शक्कर लिया है उसका डबल नहीं तो ट्रिपल पानी ले लीजिए। मैं यूजली 3 गुना पानी लेती हूँ क्योंकि ये जब उबलता है काफ़ी देर हम जब इसको रसगुल्ला डाल के उबालते हैं तो ये थिक हो जाता है। एक बार पानी अच्छे से उबल जाए, उसमें शक्कर घुल जाए तो एक एक करके हमें रसगुल्ले के बॉल्स इसमें डालने हैं। चाशनी में आप जब भी छेना के बॉल्स डालते हैं तो ध्यान रखना है कि आपकी जो चाशनी है वो अच्छे से उबलती है, जैसे रोलिंग बॉयल कहते हैं वैसे बिल्कुल अच्छे से उसमें उबाल होना चाहिए। इसीलिए सारे बॉल्स आप एक साथ मत डालिए, छेना के बॉल्स आप एक एक करके डालिए ताकि जो चाशनी का टेम्परेचर है वो नीचे ना जाए और वो कंटिन्यूसली बॉयल होता रहे। आप इसको ढक के रख के 7 से 8 मिनट और उबाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो रही है तो 1/4 कप के करीब आप इसमें गर्म पानी बीच में ऊपर से हल्के हाथ से डाल के दे दीजिए ताकि ये जो चाशनी है वो थोड़ा डाइल्यूटेड ही रहे। 7 से 8 मिनट के बाद आपके रसगुल्ले बिल्कुल फूले फूले दिखेंगे। तब आप इसको ढक के रखिए और बिल्कुल थोड़ा ठंडा होने दीजिए।
और एक बार ठंडा हो जाए फिर आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं या इसको वैसे ही फ्रेश बिल्कुल सर्व भी कर सकते हैं। तो दशहरा पर इस बार आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए।